कितनी क्रिस्पी और फुली हुई बनी है। वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं कंप्लीट पानी पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लगड़ा पानी पूरी, लगड़ा मीठी चटनी और चटपटा खट्टा पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चटपटी पानी पूरी की रेसिपी। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी पूरियाँ इतनी ही फूली हुई और क्रिस्पी बनेंगी। कुछ बातों का ख्याल रखना है बस। 2 कप मैंने रवा ले लिया है जिसे हम उपमा बनाते हैं, और उसमें 1/2 कप मैदा डालना है। 1/2 कप से बढ़ के बिल्कुल मैदा ना डालें, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगी पूरियाँ। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, यानी 2 बड़े चमचे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। बस इसको मिला लेना है पानी के साथ में, रवे को गूंदने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे सॉफ्ट सा बना देंगे, मिक्सचर सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, क्योंकि सूजी जो है, रवा जो है, वो पानी सोख लेगा और इसकी कंसिस्टेंसी पूरी बनाने के लायक हो जाएगी बराबर। अब मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम एक डैम्प कच्चा कपड़ा लेंगे कॉटन का, और इसे इस तरह से ढक कर रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। येलो पीस को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 5-6 विजिल के लिए। मीठी चटनी बनाने के लिए 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, और 100 ग्राम मैंने इमली को भिगो कर रख दिया था, इसे हम डाल के पकाएंगे। अब ये गाढ़ा होने लगा है 5 मिनट के बाद में, तो इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कहते हैं, काला नमक, ये ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें 100 ग्राम ही गुड़ ऐड करेंगे, जितनी इमली ले रहे हैं उतना ही गुड़ लेना है। अब देखिए ये पक्के गाढ़ा सा हो गया है, और पक्के ये गाढ़ा हो जाएगा तो स्टिकी फ्लेम बंद कर देंगे। मीठी चटनी तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। अब पानी बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो 2 ग्रीन चिलीज को मैंने ग्राइंडर के जार में ले लिया है। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। 1 बंच मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ, और 1/2 बंच कोथमीर का ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून शक्कर है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि रॉक सॉल्ट, और 1/2 इंच की जिंजर है। इसमें 2-3 आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि ये ग्रीन चटनी इस तरह से ग्रीन बने। अगर आप बर्फ़ नहीं ऐड करेंगे तो ये काली हो जाएगी। अब मुट्ठी भर मैंने टैमरिंड यानी इमली का पल्प भिगा लिया था, इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2-3 टीस्पून हम अंदाजे से ये चटनी मिला देंगे। मिला के टेस्ट करके देखें, अगर और ज़्यादा लगे तो ज़्यादा ऐड कर दें, बाकी की चटनी प्रिजर्व करके रख लें, बाकी के चाट में बनाने काम आएगी। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब खट्टा पानी तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। देखिए अब ये प्रेशर रिलीज़ हो गया है और येलो पीस अच्छे से गल गए हैं। इसमें 2 टीस्पून ऑयल गरम करेंगे और इंस्टेंट लगड़ा बना लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, ताकि अच्छा सा रगड़े का कलर आ जाए, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पका लेंगे। इंस्टेंट लगड़ा पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर आप आलू की फिलिंग पसंद करते हैं तो सेम रगड़ा आप आलू से बना लें, सेम मसाला। अब देखिए सारी चीज़ें तैयार है, पूरी बना लेते हैं। अब अच्छा सा डो तैयार हो गया है, इसके थोड़ा सा 5 मिनट मैंने नीड कर लिया है। देखिए अब सिल्की सॉफ्ट डो तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लेंगे, रोटी से थोड़े छोटे, और इसे अब हम बेल लेंगे। और इसे अब हम अच्छे से पतला बेलेंगे, बिल्कुल पतला नहीं बेलना है कि ये टूट ही जाए पूरियाँ। देखिए इस तरह से रोटी से थोड़ा सा पतला बेल लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। आपके घर में जो भी ढक्कन, कोई भी चीज़ का लिड हो, उससे आप गोल कट कर लें पूरियों को। अब देखिए ये पूरियां मीडियम साइज़ की बनाई है मैंने। अब इन्हें निकाल के हम थोड़ी देर हवा में रखेंगे, 5-10 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से कड़क बनेंगी। ये टिप भी याद रखिए, इसी तरह निकालते ही नहीं तलना है, थोड़ी देर 5 मिनट हवा में रखना है इसको। अब पूरियाँ भी तैयार हैं, तो पूरियों को तल लेंगे, फ्राई कर देंगे। बिल्कुल हॉट ऑयल होना चाहिए, गरम गरम तेल स्मोक आते रहे, इसमें हम ये पूरियाँ तलेंगे। पूरियाँ मैं बैचेस में फ्राई कर रही हूँ, उतनी ही पूरियाँ डालें जितनी आप हैंडल कर सकें, क्योंकि अगर आप लेट डालेंगे पूरियाँ तो थोड़ी पक जाएंगी, थोड़ी डार्क हो जाएंगी, थोड़ी कच्ची रहेंगी, इसीलिए आप जितनी हैंडल कर सकें उतनी ही पूरियाँ डालें। देखिए डालते ही ये पूरियाँ फ्लफ़ी हो रही हैं, इन्हें निकाल देंगे अब हम, दूसरी साइड टर्न करेंगे, और जैसे ही ये पक जाएंगी, और ये जल्दी पक जाती हैं,
अब हम इन पूरियों को निकाल देंगे। अब इसी तरीके से सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक और बैच फ्राई करके बता रही हूँ। पूरियाँ डालने के बाद में अगर कोई पूरी फ्लफी नहीं हो रही है, फूल नहीं रही है, तो आप उसे इस तरह से चमचे से थोड़ा सा प्रेस करें तो वो फूल जाएगी। अब देखिए सारी पूरियाँ भी तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से फ्लफी देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए सर्व कर देंगे गर्मा गर्म पूरियाँ। रगड़े को मैंने फिर से गर्म कर लिया है, मीठी चटनी और चटपटा पानी। तो पूरी को लेंगे, रगड़े में डुबाएंगे, थोड़ी सी मीठी चटनी लगाएंगे और साथ में हम खट्टा डाल देंगे। टेस्टी मुंह में घुलने वाली पानी पूरी की रेसिपी तैयार है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको रेसिपी पसंद आई, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग।